हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर पाएंगे। यदि आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल में एक से ज़्यादा पेज बना लिए हैं और आप डिलीट करना चाहते हैं, कैसे डिलीट करेंगे, यदि आपको डिलीट करने का तरीका नहीं मालूम है तो आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि आप लोग कैसे अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को अपना फेसबुक ओपन कर लेना है, ठीक है। और फेसबुक ओपन करने के बाद आपको ऊपर थ्री लाइन्स है और लोगों को ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद अब आपको मेरा यहाँ पर फेसबुक पेज आ गया है एंड कौन साइड में क्लिक करेंगे, जो भी पेज आप बनाए हैं डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक पेज सेलेक्ट कर लिया है। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से फेसबुक पेज डिलीट कैसे करना है, तो आपको नीचे आएंगे योर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, तो आपको सिंपल सा इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको सबसे पहले अपना फेसबुक अपडेट करके रखना होगा, ठीक है, क्योंकि नए तरीके में ये नया चीज़ अपडेट कर दिया है फेसबुक, ठीक है, मेटा वर्जन में। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पर डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ अगर आप कुछ दिनों के लिए डिसेबल करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यदि ये परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा एंड इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जिसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो इसके बाद जैसे डिलीट करने जाएंगे तो आप लोग यहाँ से कुछ भी अपनी फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, यदि आपको डाउनलोड नहीं करना है डिलीट करना है तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके एंड जैसे आप लोग अपने यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो आपका फेसबुक पेज डिलीट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद आप लोग सिंपल से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा डिलीट ए वाई मूवी, जो भी आप चैनल का नाम हो, एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर डिलीट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे डिलीट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट लेगा एंड आपका ये दूसरा अकाउंट आ जाएगा, मतलब वो पेज आपका यहाँ से डिलीट हो गया। एंड यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, अब देख लीजिए वो वाला मेरा जो मैंने फेसबुक पेज बनाया था ये वहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी मेथड से आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर पाएंगे। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई सभी को देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।